हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, इसके पहले हमने पाठ 9 पढ़ा था, बदलता जीवन भाग 1। उसमें हमने संविधान में परिवर्तन, परिवार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, शहरीकरण व ग्रामीण और सामाजिक विकास, इसके बारे में हमने जाना था। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे भाषा, खेल, नाटक, सिनेमा, समाचार पत्र और दूरदर्शन क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले भाषा। भाषा बच्चों, सब तुम्हें लोग जानते हो भाषा, जिसको हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी बातें, अपना विचार हम प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भारत में भाषा हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी, ये भाषाएं महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। और इन भाषाओं की बोली भाषाएं भी है, मतलब इनसे संबंधित भी छोटी छोटी अलग अलग बोली भाषाएं जो लोग बोलते हैं अपने क्षेत्र में, उनकी संख्या अब कम हो रही है, इसलिए उनका संवर्धन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। उनको संभाल के हमें रखना है ताकि ये जो हमारी अनमोल संपत्ति है यह नष्ट ना हो जाए, यानी खत्म ना हो जाए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लोग उसे भूल जाएंगे। यद्यपि ऐसा है, फिर भी हिंदी सिनेमा के माध्यम से सर्वत्र पहुंची हिंदी भाषा ने भाषाई दृष्टि से देश को जोड़ने का काम किया है। देखो बच्चों, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी ऐसा भाषा है कि जो पूरे देश में बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषा जो है हमारे देश को जोड़ने का काम किया है। वर्ष 1990 के पश्चात प्रारंभ में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। जब 1990 में वैश्वीकरण आया, लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगा, इसके कारण भारत में अंग्रेजी भाषा आया और अंग्रेजी भाषा का जो अधिकार था वो बढ़ता गया, उसका प्रभुत्व बढ़ता गया। अंग्रेजी जो है रोजी रोटी की भाषा बनती जा रही है, नौकरी के अनेक अवसर अंग्रेजी भाषा के कारण उपलब्ध होने लगे। अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो तुमको आसानी से बोलने आ रहा है तो तुमको नौकरी आसानी से मिल जाएगा। अंग्रेजी सीखने में भारतीय लोग आगे आए हैं, परंतु इस प्रक्रिया के कारण प्रादेशिक भाषाओं का अस्तित्व खतरे में न पड़े, इसकी सावधानी रखनी होगी। आज सभी लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, भले घर में कुछ हो न हो, लेकिन सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय हो, आगे उनको नौकरी में दिक्कत ना आए। लेकिन इसके कारण जो हमारी प्रादेशिक भाषा है वो कम ना हो जाए, उसको बोलना लोग कम कर दिया, इसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये भाषा खत्म ना हो। महाराष्ट्र की बोली भाषाओं की जानकारी विविध साधनों के आधार पर कोश, गूगल, विकिपीडिया, अनुसंधानकर्ताओं के लेख खोजे। देखो बच्चों, यहाँ डिक्शनरी का चित्र दिया है, गूगल का दिया है और विकिपीडिया का दिया है। इसमें हम तरह तरह की भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो वर्ष 1961 का नागालैंड जानते हो ना? हाँ, नागालैंड इस राज्य में भाषाई विवरण निम्न प्रकार से है, यानी कहने का मतलब वहाँ भाषा बहुत ज्यादा है, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भाषा और जनसंख्या का अनुपात, अंगामी भाषा बोलने वाले 33,766, लोथा बोलने वाला 26,565, रेंगमा जो भाषा है 5,786, खेजा 7,295, संगतम यह भाषा 15,508 लोग बोलते हैं, चांग यह भाषा जो है 11,329 लोग बोलते हैं, इम चुंगरो यह भाषा जो है 10,187 लोग बोलते हैं, जेलियंग सेमी यह भाषा 6,472 लोग बोलते हैं, कुकी चीरू यह भाषा 1,175 लोग बोलते हैं, तिखिर यह भाषा 2,468 लोग बोलते हैं, सेमा यह भाषा 47,439 लोग बोलते हैं, एओ 55,904 इतने लोग बोलते हैं, चार वैसंग यह भाषा 339 लोग बोलते हैं, संगतम पोचुरी यह भाषा 2,736 लोग बोलते हैं, कौनियाक यह भाषा 46,653 लोग बोलते हैं, फोम यह भाषा 13,385 लोग बोलते हैं,
खिमनुंगम यह भाषा 12,434 लोग बोलते हैं। लियांगम में यह भाषा 2,969 लोग बोलते हैं और मकवरे यह भाषा 769 लोग बोलते हैं। इस विविधता का परिणाम कोहिमा आकाशवाणी केंद्र पर हुआ। इस केंद्र को 25 भाषाओं से प्रसारण करना पड़ता था। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, नागा बोली और अन्य नागा भाषाओं का समावेश था। इसका कहने का मतलब यह है कि जो नागालैंड है इसमें बहुत तरह की भाषा बोली जाती है। मैंने अभी तुमको बताया कि इतने इतने भाषा, इतने लोग बोलने वाले हैं। कहने का मतलब नागा हम एक ही भाषा थे लेकिन उनकी जो बोली भाषा है वो इतने प्रकार की है। खेल, स्वतंत्रता के पहले का जो काल था खेल कूद के क्षेत्र में बहुत कम ही लोगों का नाम लिया जाता था, बहुत कम लोग खेल खेलते थे। कुछ खिलाड़ियों ने इसमें परिवर्तन करने का काम किया, यानी बदलाव करने का काम किया। इस कारण खेल और खिलाड़ी दोनों बड़े हो गए, यानी उनको बहुत सारा स्कोप मिल गया ताकि वो आगे बढ़ सके, अपना करियर बना सके। इसमें महत्वपूर्ण नाम गीत सेठी का है। बिलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम के खेल के प्रकार में गीत सेठी ने विश्व प्रवीणता प्राप्त की, यानी गीत सेठी जो है इसमें सबसे आगे थे। देखो बच्चों ऊपर जो खेल दिया है बिलियर्ड खेल का स्कूनर खेल है और इसमें जो है गीत सेठी का चित्र दिया गया है, ये इसमें सबसे ज्यादा प्रवीण है यानी सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते। उसने अपनी आयु के 15वें वर्ष में बिलियर्ड्स की कुमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीत ली। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने अजय पद प्राप्त किया, यानी विजय प्राप्त किया उन्होंने, यानी वो जीत गए। उन्होंने वैश्विक व्यावसायिक प्रतियोगिता में 5 बार, वैश्विक सोकिया बिलियर्ड प्रतियोगिता में 3 बार विजेता का पद प्राप्त किया। उन्होंने इस खेल को लोकप्रियता दिलवाई, यानी इनके कारण जो है ये खेल अधिक प्रसिद्ध हुआ। समाचार पत्रों में इस खेल की खबरें छप के आने में फरेरा और सेठी का यह खेल प्रताप कारण है। भारत के उद्योन्मुख मतलब जो आजकल की जो नए खिलाड़ी है उनको एक नया क्षेत्र उपलब्ध करवा दिया इन्होंने। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है कपिल देव का और इसके बगल में जो है उन्होंने क्रिकेट में जो विश्व कप का चित्र यहाँ पे दिया गया है, क्रिकेट के खेल का भी चित्र दिया गया है। वर्ष 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में ऐतिहासिक विजय हासिल की। इस खेल ने देश में लोकप्रियता प्राप्त की, यानी कपिल देव थे उन्होंने विश्व कप को जीता और इसके कारण यह खेल और अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसी साल सुनील गावस्कर ने टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतकों का कीर्तिमान बनाया, यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रन यानी सेंचुरी, शतक मतलब क्या होता है सेंचुरी बनाने में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। देखो बच्चों यह सुनील गावस्कर का चित्र है। वर्ष 1985 में भारत ने बेनसन एंड हेजेस क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता पद प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप भारत में सभी राज्यों में न्यूनाधिक, यानी न्यूनाधिक का मतलब होता कम या अधिक मात्रा में लोग क्रिकेट खेलने लगे, यानी खेला जाने लगा। देसी खेल पिछड़ गए, क्रिकेट को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। क्रिकेट को केंद्र में रखकर कुछ सिनेमाओं का निर्माण भी किया गया। दूरदर्शन पर पूर्ण 5 दिवसीय और 1 दिवसीय खेलों का प्रसारण आरम्भ हुआ। बच्चों तुमको मालूम है इस पे महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी पिक्चर बनाया गया है, उनके ऊपर बायोपिक बनाया गया है, यानी इस खेलों को बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त है। आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में यह खेल खेला जाता है। एशियाड और ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत सहभागी था, सहभागी यानी उसमें भाग लिया था। वर्ष 2000 के ओलंपिक में करनाम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन यानी वजन उठाना, देखो बच्चों यहाँ नीचे चित्र दिया गया है करनाम मल्लेश्वरी का, उन्होंने ये देखो भार उठाया है, इसमें उन्होंने पदक प्राप्त किया। पदक का मतलब होता मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ये सब प्राप्त किया है। ओलंपिक में पदक पाने वाली यह पहली भारतीय महिला है। हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, टेनिस, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, हॉकी का है, यहाँ तैराकी दिया गया है, देखो बच्चों यहाँ पे तीरंदाजी दिया गया है, इसका चित्र दिया है, यहाँ भारोत्तोलन का चित्र दिया गया है, यहाँ पे टेनिस का चित्र दिया गया, उसके नीचे बैडमिंटन का चित्र दिया है। नाटक और सिनेमा,
सिनेमा और नाटक के बारे में बच्चों तुम जानती होगे। देखो बच्चों, यहाँ सिनेमा का चित्र दिया गया है, लोग सिनेमा देख रहे हैं थिएटर में, और नीचे जो है रंगमंच का चित्र दिया गया है जहाँ पे नाटक वगैरह किए जाते हैं। नाटक और सिनेमा भारतीयों के जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। पहले नाटक खूब समय तक, कभी कभी तो रात भर चलते थे। अभी भी उत्तर प्रदेश में देखो या महाराष्ट्र में चलो तो रात रात भर नाटक चलते हैं, जैसे नौटंकी वगैरह हो गया, तो ये जो है रात भर चलते थे। वर्तमान काल में नाटक का स्वरूप, तकनीक, समय बदल गया है। अलग अलग क्षेत्र के लोग नाटक में सम्मिलित होने लगे हैं, यानी उसमें शामिल होने लगे हैं। संगीत रंगभूमि का महत्व पहले की तुलना में कम हो चला है। पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों के बदले में राजनीतिक और सामाजिक विषयों को प्रधानता मिलने लगी है, यानी पौराणिक और ऐतिहासिक। पौराणिक यानी धर्म से, भगवान से, ईश्वर से संबंधित और इतिहास से संबंधित जो विषय हो कम हो गए है, उसके बदले का जो आजकल नाटक और पिक्चर है वो राजनीतिक और सामाजिक विषयों में ज्यादा बनने लगे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो सिनेमा था पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट था, काला और सफेद रंग में जो पिक्चर बनाई जाती थी। उसके बाद रंगीन पिक्चर बनने लगे हैं। यहाँ पे दोनों का चित्र दिखाया गया है। सिनेमा के क्षेत्र में कृष्ण धवल, कृष्ण का मतलब होता है काला और धवल का मतलब होता है सफेद, यानी ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के बाद रंगीन सिनेमा का युग आया। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी सिनेमा का स्थान अतुलनीय है, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। समकालीन परिस्थिति का चित्रण सिनेमा में उभरने लगा है। सिनेमा के चित्रण स्थल देश के बाहर जाने लगे, देश विदेश की विविधता पूर्ण स्थान लोगों के दिखने लगे। विदेशी भाषा की फिल्में अनुवादित होने लगी। अंग्रेजी सिनेमा के प्रदर्शन के समय पर्दे पर हिंदी अनुवाद दिखने लगे। कहने का मतलब जो सिनेमा जो पहले था, पहला गूंगा सिनेमा था, उसके बाद बोलने वाला पिक्चर आया, उसके बाद धीरे धीरे सिनेमा में अलग अलग जगह के जैसे विदेशों का चित्रण दिखाई देने लगे। कुछ पिक्चर अमेरिका या विदेश या कश्मीर में अलग अलग स्थानों पे बनने लगा, और इसके बाद जो विदेशी फिल्म है उसका अनुवाद भी लोग करके उसको नया पिक्चर बनाने लगे। जैसे मराठी पिक्चर का अनुवाद हिंदी में किया जाए या इंग्लिश में किया जाए। उसके अलावा जो पिक्चर है उसके नीचे तुमने देखा होगा कि हिंदी में अनुवाद लिखा रहता है, ताकि विदेशी जो भाषा की पिक्चर उसको लोग समझ सके। हिंदी फिल्में वैश्विक फिल्मों से प्रतियोगिता करने लगी। हिंदी सिनेमा संसार भर में पहुंच गया। राजनीति, समाज नीति, उद्योग, प्रौद्योगिकी के प्रतिबिंब सिनेमा में उभरने लगे, यानी ये सब के बारे में भी पिक्चर बनने लगा, फिल्म बनने लगी। 3-4 घंटे चलने वाला सिनेमा 1.5 घंटे पे आ गया। पहले कोई भी पिक्चर 3-4 घंटे का यानी बड़ा पिक्चर होता था, लेकिन अब वो कम छोटा बनने लगा, 1.5 घंटे का पिक्चर बनने लगा। एक पर्दा और एक थिएटर की ये जो अवधारणा थी वो बदल गया। पहले जो भी पिक्चर लगता था तो वो एक जगह लगता था और वो कई हफ्तों तक चलता था। अब बहुपर्दा और फिल्म संकुल मल्टीप्लेक्स थिएटर अस्तित्व में आए गए हैं। एक थिएटर में बहुत सारे पर्दे आगे और उसमें बहुत सारे पिक्चर दिखाए जाते हैं, यानी 3-4-5 पिक्चर एक साथ चलते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। देखो बच्चों, ये मल्टीप्लेक्स थिएटर है, यहाँ पे एक साथ कई सारी फिल्में दिखाई जाती है। इस कारण एक ही फिल्म 100 सप्ताह तक चलने का चलन समाप्त हो गया। मैंने बताया कि पहले जो है एक जगह पिक्चर लगता था वो 100 सप्ताह चलता था, जिसको सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ऐसे कहा जाता था। तो 100 सप्ताह चलने का प्रचलन समाप्त हो गया। अब एक ही फिल्म एक ही समय में देश विदेश में हजारों थिएटरों में देखने को मिलने लगी है। इस कारण सिनेमा का आर्थिक स्वरूप बदल गया है। सिनेमा निर्माण को उद्योग का दर्जा प्राप्त हो गया है, यानी एक प्रकार का एक व्यवसाय बन गया है। यह उद्योग करोड़ों लोगों को समाहित करने लगा है। प्रादेशिक भाषा के सिनेमा उद्योगों पर बहार छा गई। जो अलग अलग भाषाओं की सिनेमा है उसका जो उद्योग है उसमें बहार जैसी आ गया, यानी बहुत सारे फिल्म बनने लगे और उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने लगा है। समाचार पत्र, बच्चों तुम जानते हो समाचार पत्र आए दिन सवेरे सबसे पहले हम समाचार पढ़ते हैं या देखते हैं। समाचार पत्र बदलती जीवन शैली का प्रभाव समाचार पत्रों और प्रसार माध्यमों पर पड़ा। इन माध्यमों का प्रभाव व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर भी पड़ा। स्वतंत्रता के बाद के समय में रोजमर्रा की गतिविधियों की ताजा खबरें देना, विज्ञापन प्रकाशित करवाकर उद्योग व्यवसायों को बढ़ावा देना, जनमत तैयार करना,
रचनात्मक कामों के लिए जनमत प्रभावित कर नेतृत्व करना, प्रबोधन करना यानी जागृति निर्माण करना यानी प्रेरणा देना, सरकारी व्यवस्था पर अंकुश रखना जैसे विविध उद्देश्यों को लेकर समाचार पत्र जो है कृष्ण धवाल यानी पहले का जो समाचार पत्र था काले और सफेद रंगों में यानी ब्लैक एंड व्हाइट रंगों में प्रकाशित होते थे। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट जो है समाचार पत्र है। आगे चल के ये जो ये समाचार पत्र है वो रंगीन में छपने लगा। देखो बच्चों ऊपर चित्र दिया गया है रंगीन समाचार पत्र। पहले तहसील अथवा जिले के मुख पत्र के रूप में पहचाने जाने वाले समाचार पत्रों की बड़ी मात्रा में राज्य स्तरीय श्रृंखला स्वरूप के पत्रों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार पत्र अब ज्यादा ही सक्रिय होने लगे हैं। इसमें अकाल पीड़ितों के लिए कोष इकट्ठा करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए धन एकत्रित करना, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बुद्धिमान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना तथा प्रायोजित करना जैसे विविध माध्यमों से समाचार पत्र हमारे जीवन के अविभाज्य अंग बन गए हैं। अविभाज्य का मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते अपने जीवन से। देखो बच्चों यहाँ पर समाचार पत्र कैसे छपता है, प्रेस का चित्र दिया गया है। यहाँ पर रोज समाचार पत्र छापे जाते हैं। दूरदर्शन यानी टेलीविजन सभी लोग जानते हो। भारत में स्वतंत्रता के बाद के समय में दूरदर्शन का आगमन हुआ यानी दूरदर्शन आया हमारे देश में। आरंभ में जो दूरदर्शन था काले और सफेद रंग में दिखाई देता था। देखो बच्चों यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन दिखाई दे रहा है। कालांतर में यह रंगीन हो गया, बाद में ये जो दूरदर्शन है वो कलरफुल हो गया। आरंभ में गिने चुने कार्यक्रम और निर्धारित समय में ही मनोरंजन करना दूरदर्शन का स्वरूप था। मतलब बहुत कम प्रोग्राम आते थे, गिने चुने निर्धारित रूप से आते थे। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है टेलीविजन के, उसमें तरह तरह के प्रोग्राम आते थे। नीचे जो चित्र दिया है रामायण का दिया गया है। आगे चल के शैक्षिक उपक्रम समाचार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दौरों का विस्तृत समाचार, खबरें और इसी प्रकार एक एक उपक्रम धीरे धीरे उसमें अलग अलग प्रोग्राम बढ़ता गया। रामायण और महाभारत धारावाहिकों के समय बहुसंख्य लोग दूरदर्शन के सामने बैठे रहते थे। जब रामायण महाभारत आता था तो पहले से लोग बैठ जाते थे, अभी वो आ जाते, बहुत रुचि के साथ उसको देखते थे। इस माध्यम की लोकप्रियता का संकेत इन धारावाहिकों ने दिखा दिया। वर्ष 1991 के इराक युद्ध का सजीव प्रसारण CNN चैनल ने संसार भर में दिया। जो इराक का युद्ध हो रहा था उसका लाइव प्रसारण CNN चैनल ने दिया। देखो यहाँ इसका लोगो दिया गया है बच्चों CNN चैनल का। इस चरण पर भारत के न्यूज चैनलों का जो विश्व है पूरी तरह से बदल गया। वर्ष 1998 में स्टार निजी उद्योग समूह भारत में आया। देखो बच्चों इसका चित्र दिया गया है, पहले का स्टार चैनल ऐसे था और आज का स्टार चैनल इस प्रकार का है। इससे आरंभिक काल में प्रचलित भारत का जो नीरस एक तरफा प्रचारक स्वरूप के समाचार पत्रों का विश्व ही बदल गया। भाषा प्रस्तुतिकरण की तकनीक से सुसज्जित स्टूडियो और ओबी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वेनों का उपयोग किए जाने से इस चैनल ने इस क्षेत्र को विस्तार दिया। देखो बच्चों यहाँ ओबी वेन दिया गया है, इसका चित्र है ये। ये देखो बच्चों ये नीचे जो है स्टूडियो का चित्र दिया है। अगर उनको कोई न्यूज बताना रहता तो स्टूडियो में वो बैठ के बताते थे। ये स्टूडियो का चित्र है और ये जो वेन का चित्र है और वेन के अंदर का चित्र इस प्रकार के है जैसे एक जगह पे बैठ के हम न्यूज बता सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन कहीं अगर दूसरे क्षेत्र में जाना होता था अन्य स्थान पे न्यूज प्राप्त करने के लिए तो वहां पर इन चीजों की जरूरत होती थी। वहां पे इसमें सारी सामग्री है जैसे माइक हो गया और स्टूडियो वगैरह हो गया, सबकी जरूरत होती थी तो वहां पे जाके ये उसे कर सकते थे। फलस्वरूप समाचार प्रस्तुति में खुलापन और विविधता आई, देश का कोना कोना जोड़ा गया। इसका परिणाम राजनीति पर भी हुआ, पूरा देश बदलने लगा। अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया, अगले वर्ष इतिहास विषय का व्यवहारिक विश्व में उपयोजन कैसे करना है इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। ऐतिहासिक दैनिक जीवन का भाग कैसे हो सकता है यह हम देखेंगे।